राजस्थान की नगरीय निकायों पंचायतों में उपचुनाव हो रहा है। आज शाम 5 बजे तक मतदान होगा, इसके बाद परिणाम जारी होंगे। तो वहीं उप सरपंच का चयन 26 नवंबर को होगा। ये चुनाव प्रदेश की 36 ग्राम पंचायतों में से 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद पर होगा, जबकि 5 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। 7 ग्राम पंचायतों में मतदान नहीं होगा। वार्ड पंच चुनाव में केवल 59 वार्डों में चुनाव होंगे, क्योंकि 317 में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। उधर जयपुर बीकानेर नगर निगम के 2 वार्ड समेत चित्तौड़गढ़ करौली जैसलमेर नगर परिषद छबड़ाए बूंदी सरदार शहर लालसोट फलौदी रामगंज मंडी पदमपुर नगर पालिका के वार्डों में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव हो रहा है। जानकारी के लिए संवाददाता राजेश जोशी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, निकाय पंचायतों में उपचुनाव हो रहा है, शाम 5 बजे तक मतदान आज जो है, इसमें क्या कुछ आपको स्थिति अभी लग रही है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सवेरे से ही यहाँ के मतदाताओं में उत्साह है। 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। अगर प्रचार की बात की जाए तो देर रात तक दोनों प्रत्याशियों ने प्रचार किया है। कांग्रेस का पलड़ा कहीं न कहीं भारी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी की मौत हुई थी उसी की बहन को टिकट दिया गया है। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि 27 तारीख को ही पता लगेगा कि जीत किसकी होती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका जानकारी के लिए। तो बता दें कि 24 ग्राम पंचायतों में सरपंच के लिए उपचुनाव हो रहा है। 317 वार्डों में वार्ड पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आज शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चौबीस ग्राम पंचायतों में सरपंच के लिए हो रहा है उपचुनाव। 27 नवंबर को घोषित होगा परिणाम।